दोस्तों, चाइना सिर्फ इंडिया के लिए एक बड़ा थ्रेट नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी चाइनीज एग्रेशन से जूझ रहा है। चाइना के पास ऑलरेडी ICBMs, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, जो इजीली मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर सकते हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया ऑकस का मेंबर है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया US से न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स परचेज कर रहा है, लेकिन ये सबमरीन्स 2040 से पहले ऑस्ट्रेलियन नेवी में इंडक्ट नहीं होंगी और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे कि वो चाइनीज मेनलैंड को टारगेट कर सके और अपने आप को डिफेंड कर सके। तो ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियंस के अकॉर्डिंग इस प्रॉब्लम का सलूशन है US मेड B-21 रेडर, एक एडवांस्ड स्टेल्थ बॉम्बर जिसकी रेंज अबाउट 10,000 किलोमीटर है और B-21 अकेले ही 12 एंटीशिप मिसाइल्स के साथ दूसरे मिसाइल्स भी कैरी कर सकता है। और B-21 के साथ ऑस्ट्रेलियन फोर्सेज इजीली चाइनीज मेनलैंड को टारगेट कर सकती हैं और ऑस्ट्रेलिया को डिफेंड कर सकती हैं।